देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वीर सपूतों के योगदान को याद करते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी शिमला के राजकीय महाविद्यालय संजौली में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जा रहा है। कॉलेज में विशेष रूप से क्विज, डेक्लेमेशन, डिबेट, पोस्टर मेकिंग और रंगोली समेत कई कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के बारे में भी अवगत करवाया जा रहा है। कॉलेज के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर भूपेंद्र ठाकुर ने बताया कि ये कार्यक्रम 15 अगस्त तक चलाए जाएंगे। कॉलेज परिसर में शनिवार को पोषण सप्ताह के अंतर्गत हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पर विशेष चर्चा रखी गई थी। इसमें चाइल्ड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर सीमा शर्मा मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रही। उन्होंने बच्चों के साथ शिक्षकों को पोषण संबंधी जानकारी दी। भूपेंद्र ठाकुर ने कहा कि 12 अगस्त को कॉलेज के बच्चों और अध्यापक प्रभात फेरी निकालेंगे। कॉलेज के उप प्रधानाचार्य ने सभी से आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपना योगदान देने की अपील की है। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ठाकुर, वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज संजौली, साथ में मेरे मैडम भारती भागड़ा जी, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर, और प्रोफेसर जिरेट जी हैं, स्नेह जी हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हम जो है पूरे देश के अंदर जो आज़ादी के संदर्भ में जो महोत्सव मना रहे हैं, उसमें हम जो है विभिन्न गतिविधियां जो कि पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर विभिन्न शिक्षण संस्थानों में करवाई जा रही है, उसके अंतर्गत हम जो है डिबेट है, डेक्लेमेशन है, क्विज है, रंगोली है और बहुत तरह के जो प्रोग्राम्स हम करवा रहे हैं। और ये प्रोग्राम हमारे जो है 15 अगस्त तक लगातार चलते रहेंगे, रोज़ ही रोज़। जैसे आज के दिन जो है हमने हेल्थ और न्यूट्रिशन पे, क्योंकि ये जो है साथ ही साथ हमारा पोषण सप्ताह भी था, उसके अंतर्गत जो है हमने डॉक्टर सीमा ठाकुर जी को बुलाया था जो कि हेल्थ और न्यूट्रिशंस के एक्सपर्ट है। उन्होंने जो है पोषण विज्ञान पे आज जो है सारे स्टूडेंट्स को और स्टाफ को जो है अवगत करवाया है कि किस तरह से जो है हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं बढ़िया बैलेंस डाइट लेकर। इसी तरह से जो है हमने जो है आज़ादी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ली है आज से 75 वर्ष पूर्व, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ है, और आने जो जनरेशन है हमारे पास जो खासकर स्टूडेंट्स हैं उनको हमने अवेयर किया, उनको एक्टिवेट किया है कि किस किस तरह की कुर्बानियां देकर जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ये देश जो है ब्रिटिशर्स से आज़ाद करवाया है। इसी संदर्भ में विभिन्न हम प्रोग्राम जो है उससे संदर्भ में विभिन्न प्रोग्राम जो है हम रख रहे हैं। भाषण प्रतियोगिता में है ज़्यादातर हम जो है आज़ादी से संबंधित जो मूवमेंट्स हुए हैं उससे संबंधित, हमने क्विज में भी हमने वही लेने की कोशिश की है, रंगोली है, पोस्टर मेकिंग में भी हमने आज़ादी से संबंधित स्लोगन्स किए हैं। और आने वाली जो है 12 तारीख को जो है हमारा जो है प्रभात फेरी भी होगी, उसमें हमारा पूरा कॉलेज स्टाफ और स्टूडेंट्स जो है एनसीसी एनएसएस और साथ ही हमने एक विलेज अडॉप्ट किया है वहाँ भी हम जो है आज़ादी से संबंधित अवेयरनेस प्रोग्राम लगाएंगे। अभी जो है हमारा 10 तारीख के बाद जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी, डिफरेंट इंडोर गेम जो है जिसके अंदर जो है बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, चेस है, कैरम है, इन गतिविधियों को जो है करवा रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स और टीचर सारे इन्वॉल्व रहें और हम बड़ी जोश के साथ जो है आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है जो पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज संजौली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये भी बड़े जोश और खरोश के साथ पूरे स्टाफ और स्टूडेंट्स जो है इस प्रोग्राम्स को जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को जो है एजुकेट कर रहे हैं कि किस तरह से जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आज़ादी के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी है। जय हिंद, धन्यवाद।